या ये वाला साइज बराबर है, और ये जीओटी के फैंस के लिए क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का टी शर्ट है। What's up people, this is Anand, welcome back to my YouTube channel, happy vlogs। तो आगे का वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ही सब्सक्राइब बटन दबा दो, मेहनत कर रहा हूँ, लाइक भी कर दो, और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर दो। हैप्पी 46ing। दिवाली आ रही है, खुशियों का त्यौहार आ रहा है, तो खुशियों के त्यौहार में कुछ मीठी मीठी चीजें बनती है आपके घरों में, मीठी मीठी चीजें बनती है, तो बस वही काम निपटा के कहीं इंपॉर्टेंट काम करने जाने का अपने को आज, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ रहा है। कोई चिढ़ाएगा आपको और ऐसा होता भी है लोग आपको चिढ़ाते हैं। ये बात लिख के ले लो, जब भी आप कोई स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हो और आप उस चीज में छोटे होते हो, तो स्टार्टर होते हो ना और सीख रहे होते हो ना, बहुत जन आपको चिढ़ाएंगे। मतलब बोले ना, 90% लोग आपको खाली डिमोटिवेट करेंगे, 10% लोग आपको बढ़ावा देंगे, हाँ तू कर अच्छी बात है, लेकिन वो 90% लोगों को आपको कैसे फेस करना है वो, क्योंकि मैं उन्हें नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा मत करो, अरे करो अपने को ख्याल क्या जा रहा है मेरा, करो। बट आपको क्या करना है कि कोई भी कुछ बोलते हैं तो उसके डर से अपने ड्रीम को मत छोड़ो। बहुत जन होते हैं जो आगे ये सब काम कर रहे होते हैं, फिर वो उसकी वजह से छोड़ भी देते कि हाँ अरे वो चिढ़ा रहा है मेरे को, अरे मेरे को अजीब लग रहा है, मैं क्या ऐसा अच्छा नहीं कर रहा क्या, मैं चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, ये सब मत सोचो। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जब भी कोई काम करता है ना, वो उसमें कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ऐसा पैदाशी एक यूट्यूबर एक परफेक्ट ब्लॉगर बन के नहीं आता, या तो कुछ भी चीज़ हो कि हाँ मैं भाई एक शेर हूँ, मैं तो सब कुछ बराबर करूँगा, ऐसा कोई नहीं होता, तो फिर क्यों किसी का सुनना। और आपको पाल थो ना रहा है, कोई आपको खिला थो ना रहा है, जो आप सुनोगे बस सुनो अपने मॉम डैड की, क्योंकि वो क्या बोलते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, वो नहीं मानते तो उनको मनाया जाता है। जब भी आप ऐसे लोगों को फेस करते हो या तो फिर आपको ऐसा कोई चिढ़ाता है, तो फिर कुछ हर किसी से आप लड़ नहीं सकते, मन में गलना और खुद के लिए एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं किंग हूँ, क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ मैं वन पीस हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तेल लगाने गए मैं करूँगा, मैं लेकिन करूँगा। और हाँ, कोई भी चीज़ आप करो सही करो, और कोई भी आप एक स्टडी में ही हो जाए, पढ़ाई में हो जाए कि लोग आप बोलोगे मुझे ये करना है, तो आपको कॉम्पिटिशन मिलेंगे और जो आपको नीचे गिराएंगे, तो आपको ऐसा नहीं होने देना है और स्ट्रांग रहना है। और मैं ये बोलूँ तो आप कोई भी प्रोजेक्ट है तो कंटेंट के बारे में सोचते हैं हाँ मैं ये करने जाऊँगा, फिर आपको कोई आप ये भी सोचने लग जाते हो कि हाँ अरे वो ऐसा हो गया तो ये वाला अजीब लग रहा है, अरे डालूँ कि नहीं, अरे करूँ कि नहीं, क्यों अपने अपना दिमाग डाला है उसके अंदर, इतना सोचा है कि हाँ इस चीज़ के ऊपर इतना मेहनत की, तो उसको वेस्ट जाने क्यों देना। कोई भी आप दुनिया में स्टेप लो ना, या तो वो छोटा ही हो या तो बड़ा हो, कुछ अजीब सा हो या तो अच्छा हो, लेकिन उस स्टेप से ना आप कुछ सीखते हो। जब मैं नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने काफ़ी फालतू वाले ब्लॉग डाले हैं, लेकिन उस फालतू ब्लॉग से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि ये नहीं करना है आगे से, ये नहीं करना है आगे से, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है तुम लोग को, ऐसा। दिवाली आ गई है, लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉपिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बट मैं अभी दिवाली की ऑन द डे ऑफ शॉपिंग नहीं कर रहा, वो तो हम लोग जब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि क्या थीम है, और लोग थोड़ा सा ट्वीटिंग वीनिंग हो रही होगी तो उसके हिसाब से करते हैं, बट उसके जो दिन होते हैं बाकी सब दिन उसके बाद भी अपने जरूरत कोई, तो आज करेंगे शॉपिंग हमारे लिए। और आज के व्लॉग में बता दूंगा मैं कैसे कपड़े खरीदता हूँ, कैसे टाइप के, नॉट टू सिंपल, नॉट टू फंकी, वैसे टाइप के, और कहाँ से लेता हूँ मैं मोस्टली, क्योंकि लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, थोड़ा तो लाइफस्टाइलिंग में होना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं ब्रांड फैक्ट्री मीरा रोड, क्योंकि ब्रांड फैक्ट्री का सबसे अच्छा वाला शोरूम मुझे लगता है मीरा रोड में ही है, और बहुत सही है वो,
तो वहां पर अभी जाने का प्लान है, वहां से कपड़े लेने का प्लान है, क्योंकि ब्रांड फैक्ट्री में ऐसे कपड़े होते हैं कभी भी एक दो लेने सोचता हूँ तो तीन चार उठा लेता हूँ, क्योंकि वहां पे स्टॉक ही वैसे रहते हैं, बाकी सब जगह ऐसा देखता हूँ इंस्टाग्राम पे उनके पोस्ट अच्छा कुछ आया वहाँ पे जाके उठा लिया ऐसे। बट ब्रांड फैक्ट्री जब आपको एक सोचे हो कि हाँ मेरे को शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप करो, बहुत अच्छा है। चलो मेरे साथी तो चल रहे हो, फिर अभी मिलते बाहर। ये अच्छा बड़े थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं खुद के लिए नहीं रख लेता, अपने डैड के लिए रख लेता हूँ, बाकी तो काम तो आ ही जाएगा। ठीक ये है, अच्छा है, कलर अच्छा है, लुक अच्छा दे रहा है, बट थोड़ा साइज का शॉर्ट लग रहा है, पहले लुक को उतना खास नहीं लाया तो कन्फर्म नहीं है इसके बारे में कि लूंगा कि नहीं, बट आप देख सकते हो। एक रीजन शॉपिंग का था अच्छे अच्छे मस्त वाले टी शर्ट लेना, और ये देख सकते हो टी शर्ट जो ब्लू पैंट और व्हाइट शूज पे क्या दिख रहा है, मतलब बट लुक इसमें यार क्या लग रहा है, व्हाइट शर्ट तो मैंडेटरी होता है यार, किसको नहीं पसंद आता। जींस ट्राई करते हैं, ग्रे शर्ट में लिए क्योंकि मैं ब्लैक पे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बहुत आउटडेटेड हो गया है। ब्लू जीन्स है एकदम डार्क ब्लू, और ये वॉश में तो जीन्स होना ही चाहिए, और ग्रे में चाहिए था, तो अब इसको ऊपर ट्राई करके देखते हैं। ये लो जीन्स, थोड़ा सा अभी बड़ा है, मतलब साइज बराबर है, लेंथ बराबर है, थोड़ा सा फुगा हुआ है, तो मैं इतनी फुगी जीन्स तो नहीं पहनता, तो थोड़ा सा इसको मेरे को अल्टर कराना पड़ेगा, बाकी लग तो बहुत सही रहा है। ऐसे देख लो, अभी दिल खुश नहीं हुआ है, मतलब ये एक शर्ट, ये एक जीन्स, वो उसके पहले वाला जीन्स, वो टी शर्ट, वो कुर्ता, डन हो गया, बाकी लेना बाकी है। टी शर्ट तो मेन है, टी शर्ट अपने को चाहिए, तो बाल बड़े हो गए हैं। इस बार कुछ वैरायटी में लाया हूँ, देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं, तो दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट वाला जो आप देखोगे ये थोड़ा सा मेरे को ना मतलब पर्सनल अभी तक का सबसे फेवरेट लग रहा है, तो पर्सनल अभी तक का सबसे फेवरेट लग रहा है, क्या दिखाओ, ये स्वेट शर्ट बट थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ये वाला साइज बराबर है, और ये जीओटी के फैंस के लिए क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स का टी शर्ट है। शर्ट यार सही दिख रहा है, ये जीन्स पे उतना मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा डार्क जीन्स रहेगा तो बहुत सही दिख रहा है यार, बट फुटबॉल लवर्स के, और मैं फुटबॉल लवर नहीं है तो भी मैं टी शर्ट लूंगा रेड, यूनिक कलर। हाँ 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 ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जनता जनार्दन, सभी लोग जो देख रहे हैं, मैंने बताया था कि मैं जीन्स लेता हूँ तो उसे मुझे पहले पूरा प्रोसेस कराना पड़ता है, अपने शेप का कराना पड़ता है, क्योंकि मैं जीन्स बड़ा ले फिर उसको अपने साइज का कराना। मोदी जी वाह। हाँ वो तो चल पे कर रहा है। ये जीन्स देख लो एकदम बॉम लग रहा है यार, एकदम परफेक्ट फिट। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि मैंने ये वाला जीन्स लिया, बट मैंने ये भी जीन्स लिया है, ब्लैक शेड नहीं है तो सर डार्क है, और यहाँ पे व्हाइटिश शेड है, ग्रे मतलब ऑलमोस्ट है वो काइंड ऑफ अ ग्रे ही है, बट डार्क ग्रे है, तो ब्लैक की जगह पे यूज हो जाएगा ये वाला। ऐसी कोई घिसी पिसी से हम शॉपिंग कर लेते और ऐसे कपड़े पहनते सिंपल सिंपल से अच्छे अच्छे से जो हम पे अच्छे भी लगे। और अब मैंने इतनी सारी शॉपिंग की और मुझे एकदम रीजनेबल प्राइस में पड़ा, क्योंकि ऑफर चल रहे थे, ऐसे कुछ
कभी कभार ऑफर आते रहते थे, और इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस को मैं फॉलो करके रख देता हूँ जो मुझे मालूम पड़ते कहाँ पे क्या ऑफर चल रहा है वहाँ पे ले लेती हूँ। विदाउट ऑफर मैं गया तो मुझे फिर डबल खर्चा हो जाता ना, इसलिए ऑफर में जाता। दिवाली ऑफर था, सब कुछ ज्यादा भी ले लिया, रिजनेबल प्राइस में भी ले लिया। कोई ना कोई तो बोलेगा कि भाई तू ब्रांड फैक्ट्री के बारे में क्यों बता रहा है, ब्रांड फैक्ट्री ने तो को स्पॉन्सर किया है क्या, या तो फिर ब्रांड फैक्ट्री तेरे बाप की है। हाँ मेरे बाप की है। काइको यार काइको, करना है जो करने दो, क्यों क्यों ना घुसने। अभी मैंने सबसे फेवरेट वाला स्वेटशर्ट पहना, मतलब सबसे फेवरेट वाला कपड़ा मैंने जो आज मैंने शॉपिंग की है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट गो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब शेयर कमेंट, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें बढ़ाना है, प्लीज कर दो। और खुशा बांटने से बढ़ते खुशा बांटो और खुश रहो। बाबा यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम रहेगी। ऐसा लग रहा है कंफर्म नहीं है कि मैं एम से एल वाले साइज में आ गया, ऑपोजिट हो रहा है सब कुछ। मेरी मजाक करो, बरोबर है।